नमस्कार, मैं हूं अमन यतन वर्मा और इस समय आप मुझे देख रहे हैं ऑन एक्सपोज इंडिया। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में सदन की कार्यवाही सुबह से ही शांति से चल रही थी। प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष ने कासगंज के मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग की, जिसके बाद इस घटना की न्यायिक जांच की मांग का मुद्दा उठाना चाहा, जिस पर विपक्ष के नेता राम गोविंद चौधरी ने अपनी मांग को सदन में रखा। इस मुद्दे पर सरकार की ओर से घटना की न्यायिक जाँच की मांग को गैर जरूरी बताया, जिसके बाद से विपक्ष ने जोरदार हंगामा शुरू किया। मांगे ना मानने पर सपा और कांग्रेस के सदस्यों ने सदन से वॉकआउट भी कर दिया। कासगंज में विपक्ष का ही आरोप था कि दंगा हुआ। वास्तव में कासगंज में एक घटना हुई है, वो अपने आप में एक दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकार पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ जो लोग भी उसमें दोषी हैं उनको सजा दिलाने के लिए पक्षधर है। सरकार ने SIT का गठन किया है और SIT के गठन की रिपोर्ट आने के बाद हम दूध का दूध, पानी का पानी कर देंगे। लखनऊ से एक्सपोज इंडिया के लिए विजय त्रिपाठी के साथ प्रिया कनौजिया की रिपोर्ट। परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारतीय एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का।